गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक नेम है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो मतलब सिंपली ये है कि डिबेंचर इशू तो हम करेंगे बट बदले में हमें कैश नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मीन्स आप जैसे किसी चीज़ को खरीदने के बदले में डिबेंचर इशू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि एंट्रीज देखते हैं, ऑन परचेज ऑफ असेट्स या बिजनेस परचेज, अगर आप किसी भी बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो उसकी जो एंट्री होगी हमारे पास, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर हम किसी भी असेट्स को या बिजनेस को परचेज करते हैं जी, फिर हमने अब वेंडर को क्या करने हैं, रुपए नहीं देने, उसकी बजाय हमने उसे डिबेंचर इशू करने हैं। क्योंकि टॉपिक ही हमारा यही है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि कैश नहीं आएगा फिर आपने डिबेंचर इशू कर देने, मीन्स कैश नहीं मिल रहा आप डिबेंचर इशू करने के बदले में, उसकी बजाय आपके पास असेट्स आ रही है, तो असेट्स टू वेंडर कर दिया जी। अब हमारे पास एंट्रीज क्या बनेगी फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं एट पार पे, तो एंट्री बनेगी हमारे पास वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी जी। अगर इसी के अंदर हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करें, मीन्स आपने वेंडर को कितने डिबेंचर इशू करे, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा जी। नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कि वेंडर को जो अमाउंट देनी है उसे ऊपर रख लीजिए, डिवाइड बाय कर दें फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आएंगे जी। ये है हमारे पास एट पार की एंट्री। सेकंड केस इसी के अंदर है जी, अगर हम यही डिबेंचर इशू करते हैं जी एट प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के केस के अंदर हमारी क्या जर्नल एंट्री रहेगी, तो वेंडर अकाउंट हो जाएगा जी हमारा डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू करेंगे हम डिबेंचर अकाउंट, एंड टू करेंगे जी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इस केस के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा जी, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कि जो भी वेंडर को आपने अमाउंट देनी है, ठीक है जी, यहाँ पे जो अमाउंट होगी उसको हमने रखना है ऊपर, डिवाइड बाय करना है जी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर से, एंड प्लस कर देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने करना क्या है जी, जो अमाउंट हमने पे करनी है वो ऊपर रख लीजिए, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसमें एसपी ऐड करके डिवाइड कर देंगे जी। तो ये हमारा एट प्रीमियम का केस हो जाएगा। एक हमारे पास एट डिस्काउंट का केस है जी, थर्ड। तो एट डिस्काउंट के केस में हम वेंडर को फिर करेंगे जी डेबिट, क्योंकि वेंडर को हमने अमाउंट पे करनी है और अमाउंट हम कैश में ना देकर उसको बदले में डिबेंचर दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे जी हम डिबेंचर। और अगर इस केस में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करने हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला है जी अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट की अमाउंट को। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आएंगे जी। तो बस आपको सिंपली एंट्रीज याद रखनी है इस टॉपिक की। फाइनल पेपर के व्यू से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर असेट्स टू वेंडर होगी, अगर वेंडर को डिबेंचर दे रहे एट पार पे तो देन वेंडर टू डिबेंचर हो जाएगी। अगर हम उसे डिबेंचर दे रहे हैं जी एट प्रीमियम पे, तो एंट्रीज हो जाएंगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अगर हम उसे डिस्काउंट पे दे रहे हैं जी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो ये हमारा इसका तरीका रहेगा जी। अब इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जी। तो क्वेश्चन है, ए कंपनी परचेज्ड असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, कि एक कंपनी है उसने असेट परचेज करी है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, अगर असेट्स परचेज करी है तो एंट्रीज बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू वेंडर। हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 9,00,000 रुपीज़, 9,90,000, 9,90,000। देन कह रखा है इट वॉज एग्रीड दैट दी परचेज कंसिड्रेशन, परचेज कंसिड्रेशन मीन्स खरीदने के बदले में, बी पेड बाय इशुइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। आपने बदले में क्या देना है जी, 11% डिबेंचर देने हैं और एक की वैल्यू ₹100 है, और वो डिबेंचर आपने एट पार पे देने हैं, प्रीमियम पे देने हैं, डिस्काउंट पे देने हैं जी। अगर मैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली एट पार पे करता हूँ एंट्री, तो एट पार की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू 11% डिबेंचर जी। तो 9,90,000 एंड 9,90,000 की एंट्री बन जाएगी। अगर इसी के अंदर मेरे को निकालने पड़ जाए जी नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 9,90,000 अपॉन कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जी। तो हमारे पास ये 9,900 नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। सेकंड केस है जी अपने पास एट प्रीमियम के केस में, कि अगर आपने डिबेंचर को इश्यू करना है एट प्रीमियम पे, तो हमारे पास देखें जी इसकी एंट्री क्या होगी। तो वेंडर अकाउंट को हम कर देंगे जी डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू 11% डिबेंचर्स एंड टू एसपी के नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ याद रखनी है, वेंडर से हमने जितने की कोई आइटम परचेज करी है उसके अकाउंट में उतने रुपए ही रहेंगे, चाहे कि सेट पार का हो, चाहे प्रीमियम का हो, चाहे डिस्काउंट का हो, ठीक है जी। तो 9,90,000 ही यहाँ रखा जाएगा। अब हमने देखो जी क्वेश्चन के अंदर ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस है, और जो एसपी की वैल्यू है वो कितनी है जी, 10% है प्रीमियम। तो मतलब मेरा जो 100 वाला डिबेंचर है वो अब की बार 110 रुपीज़ का इशू किया जाएगा। तो इस केस में मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट नंबर ऑफ डिबेंचर के बिना आपका ये क्वेश्चन आगे नहीं चल सकता, क्योंकि हम ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे को 9,90,000 के कोई दो टुकड़े करने हैं, और उन टुकड़ों की वैल्यू क्या होगी वही मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर बताएंगे। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई फेस वैल्यू प्लस एसपी, तो जो कि टोटल 110 हो जाएगा। तो ये 9,000 आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे ये जो डिबेंचर मैं इशू कर रहा हूँ जी प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो प्रीमियम की वैल्यू 10 है जी, तो बचा हुआ मेरा ₹100 डिबेंचर की अमाउंट है। तो 9,000 इंटू 100 करेंगे 9,00,000 रुपीज़, 9,000 इंटू 10 करेंगे 90,000, तो ये एंट्री बन जाएगी। एंड एट डिस्काउंट केस है हमारे पास थर्ड केस जी, एट डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट भी हमारे पास 10% है, तो उसकी भी एंट्री यही सेम करनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 से, और डिस्काउंट को कर देंगे डेबिट एंड टू करेंगे जी हम 11% डिबेंचर। तो इस केस में भी मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे जी। नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालने के लिए अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन में 10% लेस करके हम कर देंगे वैल्यू 90 रुपीज़ से डिवाइड, क्योंकि 100 वाला डिबेंचर है मेरा, 90 रुपीज़ का इशू किया जाएगा, तो 90 से डिवाइड करेंगे, इसे कट कीजिए, कट करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 11,000 नंबर ऑफ डिबेंचर। अब 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 11,000 इंटू में 10 कीजिए एंड देन ओवरऑल टोटल कर लीजिए, टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा जी 11,00,000 रुपीज़, आपकी एंट्री बन जाएगी। क्लियर है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा कि असेट परचेज करने के बाद
अपने वेंडर को किस तरीके से एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करने हैं। और इससे अलावा हम क्वेश्चन और देखते हैं जी, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी, सेकंड है हमारे पास, आर लिमिटेड टुक आवर असेट्स ऑफ रुपीज 5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20% प्रीमियम पर डिबेंचर हमने इशू करने हैं जी, और एस परचेज कंसिडरेशन टू एस लिमिटेड। तो इसके अंदर जो हमारी एंट्री बनेगी जी, वो बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट परचेज करी है 5,60,000 की, एंड लेबिलिटीज को भी टेक ओवर करा गया है तो 2 कर देंगे हम क्रेडिटर्स रुपीज 80,000 से जी। तो हमारे पास 5,60,000 में से हम 80 को डिडक्ट कर देंगे। करने के बाद हमारे पास जो वेंडर की अमाउंट आ जाएगी वो एस लिमिटेड के अंदर 4,80,000 रुपीज़ आ जाएगी। आपको मैंने बताया था इश्यू ऑफ शेयर के अंदर कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट को फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका, आपको डायरेक्ट गिवन मिल जाएगी अमाउंट। डायरेक्ट गिवन मींस परचेज कंसिडरेशन के अंदर बता देगा हमने इतने रुपए की सेट परचेज करी। सेकंड जो तरीका होता है जी हमारे पास, इनडायरेक्टली गिवन होगा आपको। इनडायरेक्टली गिवन का मतलब कि आपको बता देगा कि हमने असेट खरीदी, लेबिलिटी भी खरीदी, बट बदले में हमने उसको इतने डिबेंचर दे दिए, या इतने रुपीज हमने चेक से पे कर दिए, या इतने का बीपी दे दिया, वो इनडायरेक्टली होता है। एंड थर्ड केस होता है जी हमारे पास, असेट माइनस लेबिलिटी। तो इसके अंदर मैं थर्ड केस ही लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो असेट माइनस लेबिलिटी करेंगे, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी, बदले में हमने एस लिमिटेड को डिबेंचर देने हैं जी, वो भी हमने 8% डिबेंचर का नेम 20 वाला 20% प्रीमियम पे। अब जो 20 का 20% होता है जी हमारे पास, वो होता है 4 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया 20 वाला डिबेंचर आपने 24 रुपीज का इशू करना है। तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 कर देंगे जी हम, 8% डिबेंचर है एंड 2 कर देंगे एसपी के नाम से। अब यहाँ पे मेरे को एक अमाउंट के 2 टुकड़े करने हैं जी। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगी। तो निकालने का तरीका, 4,80,000 अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन में डिवाइड करें फेस वैल्यू प्लस डिबेंचर से जी। ठीक है जी, ये हमारा इसका सिंपली फॉर्मूला है जी। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 20,000। तो इस 24 के 2 टुकड़े होंगे, 20 का हमारे पास डिबेंचर की अमाउंट है, 4 रुपीज़ हमारे पास प्रीमियम के हैं। तो 20 × 4 करें जी, 80,000 की अमाउंट प्रीमियम की आ जाएगी। देन 20,000 × 20 करेंगे जी, तो 4,00,000 रुपीज़ मेरे पास डिबेंचर के अंदर आ जाएंगे जी। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक सिंपली क्वेश्चन था जिसके अंदर असेट्स परचेज करी है जी, लेबिलिटी भी टेक ओवर करी है, दोनों का डिफरेंस ही वेंडर की अमाउंट होगी। देन वेंडर को हमने डिबेंचर इशू कर देने हैं एट प्रीमियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है डी लिमिटेड वाला। तो डी लिमिटेड है, परचेज्ड मशीनरी 4,02,00,000 फ्रॉम ई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। लो जी, डी लिमिटेड से हमने मशीनरी परचेज करी है। तो डी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी ई से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2,00,000 रुपीज़। कह रखे जी 25% वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट पेएबल। आपने 3 मंथ के बाद उसको एक 25% का ड्राफ्ट दे दिया जी। ड्राफ्ट का मतलब सिंपली है यहाँ पे आपने उसे बिल्स पे कर दिए, मींस बीपी दे दिया है जी। तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट करें जी, 2 बीपी करें। उसको मैंने 2,00,000 रुपीज़ देने हैं, 2 का 25% 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद कह रखा है, एंड दी बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ रुपीज़ 1,60,000 12% डिबेंचर्स। आपने 12% डिबेंचर भी दे दिए उसको जी। आपने देखो जी, उसको जो डिबेंचर दिए हैं वो दिए हैं जी 1,60,000 के।
बट रिमेनिंग अमाउंट उसकी बनती कितनी है जो उसे पे करनी है, टोटल 2 लाख है, 50 उसको बीपी से दे दिए तो बच गया जी 150। यहाँ ई लिमिटेड के अकाउंट में 150 आएंगे, बट आपने उसे डिवेंचर दिए हैं जी 160 के, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा डिस्काउंट के नाम से आ जाएगा 10,000 रुपीज़ से जी। क्लियर है जी? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हो रहे हैं जी हमारे पास फोर्थ। तो जो मेन मेन क्वेश्चन है मैंने आपको वो बता दिए हैं जी। वो जेड लिमिटेड है परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। लो जी, जेड लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है के लिमिटेड से, तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, और अमाउंट आ जाएगी जी। अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली भी आपको बता रखा है कि हमने बदले में ये दिया। तो पहले केस में क्या कह रहा है जी, बाय इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। तो मतलब मैंने जो 10 वाला डिवेंचर है वो ₹13 का इशू करा है जी, किसको? के लिमिटेड को। तो मैं एंट्री करूंगा जी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड टू SP। अभी उसको मैंने 5,000 इक्विटी शेयर 10 वाला 13 का दिया है, तो 5,000 इंटू में हम 10 करेंगे जी 50,000 आ जाएगा, एंड 5,000 इंटू में 10 करेंगे 15 आ जाएगा, देन टोटल हो जाएगा 65,000। मतलब मैंने फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली के लिमिटेड को 65,000 रुपीज़ पे तो करे हैं इक्विटी शेयर के थ्रू, मीन्स इक्विटी शेयर इशू कर दिया है। सेकेंड केस के अंदर क्या कह रहा है जी, बाय इशूइंग 1,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब मैंने अब की बार डिबेंचर जो इशू करे हैं 100 की बजाय 10% डिस्काउंट पे करे हैं, मीन्स 90 का करा है जी। तो मतलब ये मेरा केस डिस्काउंट वाला हो गया जी, डिस्काउंट देन टू डिबेंचर्स। 100 वाला डिबेंचर ₹90 का इशू करा है, और जो टोटल मैंने डिबेंचर इशू करे हैं 1,000 करे हैं जी, याद रखना है। तो इससे पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया था जब भी डिस्काउंट वाला केस आ जाए तो आपने ₹10 ऐड बैक करने हैं और 2 टुकड़े कर लेने हैं जी, डिस्काउंट के नाम से और डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से। डिस्काउंट की अमाउंट मेरी 10 है, बचा हुआ मेरा डिबेंचर अलॉटमेंट होता है जी। तो डिस्काउंट मेरा जो कि ₹10 है, तो 10 × 1,000 कर लेंगे क्योंकि 1,000 डिबेंचर आपने इशू करे हैं। अब के लिमिटेड जो मेरा वर्ड यूज़ किया गया है वो डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह किया गया है, तो मैं करूँगा जी 90 × 1,000 करके, और टोटल हो जाएंगे मेरे पास जी 100 × 1,000 करके एंट्री। क्लियर है जी? एंड लास्ट केस है जी कि के लिमिटेड को आपने प्रोमिसरी नोट दिया है 48,000 का। अब प्रोमिसरी नोट जब भी देंगे वो होता है जी बिल्स पेबल, आपने बीपी दिया है 48,000 का, तो एंट्री बन जाएगी जी के लिमिटेड टू बीपी 48,000 रुपीज़ से। क्लियर है जी? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने के लिमिटेड को 48 ये पे करे हैं, 90,000 ये पे करा है जी, 65 ये पे करा है, तो इन सब का टोटल कर लेंगे, ये अमाउंट हमने उसको पे करी है जी। तो इन तीनों का जो हमारे पास टोटल बन जाएगा जी वो बनेगा 2,03,000, 2,03,000। तो ये हमारा एक इनडायरेक्टली तरीका था परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट को फाइंड आउट करने का। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू।